हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है तरुण जैन और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द केम क्लास। इस यूट्यूब चैनल पे अपन केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं आप अगले जो अपना मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ द केम क्लास में जुड़ सकते हैं और केमिस्ट्री सीख सकते हैं। ओके गाइस, ये सब स्टार्ट करने से पहले इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें जो पहला टॉपिक है मेरा वो आएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। और एक और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवरअप करेंगे। उसके बाद अपना जो सफर है आगे का वो हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा कल से। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले देखना हमें ये है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना ऑब्वियसली कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो क्या होती है केमिस्ट्री, आइए देखते हैं। क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन सिंपल लैंग्वेज में इसको, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की स्टडी, ठीक है। मैटर की जो स्टडी करी जाती है वो कहीं करी जाती है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। अब स्टडी का ही करते हैं, मैटर की करते हैं, तो क्या क्या स्टडी करते हैं, लेट्स सपोज हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, ये जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। उसके अलावा अपन इसका कंपोजिशन, कि मैटर कहीं कहीं से बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री के अंदर। ईटीसी, ये तो जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बताई, केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आप लोग ये सोचते हैं ना कि केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, एक्चुअली उनको उन्होंने जो सीखा है, जो उनको पढ़ाया गया है, वो सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तभी वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और आगे बढ़ोगे तो मैं आपको केमिस्ट्री में एकदम परफेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा मतलब प्रॉमिस है आपको। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे से कंटिन्यू और एक साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा कम्प्लीटली। जो बंदा 10th क्लास में है वो मेरे वीडियो लेक्चर ऑब्वियसली देखेगा ही सही, और देखना चाहिए उसको ताकि वो उसकी हेल्प हो सके। और मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो बुक में चलता है वो समझाऊंगा, जो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मेन मोटिव क्या होना चाहिए अपने को, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। तो मेरा भी मोटिव यही है कि मैं जो बोलूँ वो अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, और सिंपल लैंग्वेज में जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें मुझे नहीं पढ़ाना है, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे कि आप समझ सके, स्टूडेंट समझ सके, क्लियर। ओके, तो जो 10th क्लास में वो मुझसे जुड़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं आगे, पर वो भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 10th क्लास पढ़ के खत्म कर देंगे, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, बेसिक लेवल से हाई लेवल की तरह जाएंगे अपन। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर किसी के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी 10th क्लास का पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कोई 11th 12th में पढ़ रहा है और उसको अगर पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकता है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, समझ में आया आपको। अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के बेसिक चीजें, ठीक है, डेफिनेशन याद करना, और फिर वो कुछ काम नहीं आता है। मेन चीज होती है कि सब्जेक्ट को सीखना, ठीक है, हमें सब्जेक्ट सीखना है, रटना नहीं है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन सी होती है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो कौन कौन सी ब्रांच होती है। पहली जो इसकी मेन ब्रांच होती है वो होती है फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट जो होती है वो होती है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन 10th क्लास के लेवल पे अगर मेन ब्रांचेस की हम बात करें तो ये मेन ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत सारी होती है। लेकिन जो हमें मेन स्टडी करना है ना, जो अपने को भी माइंड में रखना है, वो इन तीन ब्रांचों की स्टडी करना है, ठीक है। अब हमें एक एक करके देखते हैं क्या कौन सी ब्रांच में क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जनरली अपन क्या पढ़ते हैं, लॉज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, उसके क्या कंडीशन है, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, ये सब जो हम पढ़ेंगे वो सब क्या अंदर पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ओके। और ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारी क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं आप पूछोगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। वहां मैं उसको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब की स्टडी कहीं के अंदर की जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये याद रखना है इसके अंदर हमको करने लॉज एंड प्रिंसिपल्स, जो केमिस्ट्री के जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो हम कहीं पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर दूसरे जो कंपाउंड उनकी स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ते हैं, ओके। तो अगर आपको कोई डाउट बचता आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 110% उसका रिप्लाई करूंगा। और थैंक यू, एंड अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो कल से स्टार्ट होगी। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, मेरे जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, जो सीरीज रहेगी, वो कल से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि मॉर्निंग में 7 o'clock तक आपको एक वीडियो डेली मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट संडे। संडे को छोड़ के डेली में एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, मतलब मंडे टू सैटरडे, ठीक है, बिफोर 7 AM, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है। इस टाइम पे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि हम ओनली थ्योरी पढ़ेंगे, इसके अंदर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी फोल्डर की क्वेश्चन है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अपन ऐसा नहीं पढ़ रहे कि बस कल सब्जेक्ट पढ़ लिया, रट लिया, एग्जाम दे दी, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट को रटने आया है तो प्लीज वो वीडियो ना देखे, मुझसे ना जुड़े, मुझे उसको मतलब अगर नहीं चाहता है ना वो पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, जाए यहाँ से, मतलब नहीं जानता मेरे। लेकिन अगर सब्जेक्ट सीखना हो तो मेरे सामने टिकना, पढ़ना, और मजे आएंगे, आपको भी आएंगे, मुझे भी आएंगे, और लाइफ लाइफ तो क्या, हाँ सेट भी जाएगी लाइफ, ओके। तो ये मेरी आज की ये क्लास, ठीक है। इसमें मैं अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप देखा जाओगे ना कुछ भी नहीं, सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो अपना सफर स्टार्ट होगा कल से, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ओके, थैंक यू, बाय।